अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मैं आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो हमारे फेस के हवाले से है। ठीक है, मैं एक स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे फेशियल फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। हम ना सिर्फ उससे फेशियल फीचर्स हमारे इन्हेंस होंगे, बल्कि हमारी फेशियल जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, हमारी जो फाइन लाइंस हैं वो रिड्यूस होंगी, पफनेस है अंडर आई वो उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, सन बर्न, सन टैन सबको ख़त्म करेगा ये। ठीक है, हमारा जो टॉक्सिन्स होते हैं फेस के, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको ड्रेन आउट करेगा ये। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो जॉ लाइन है उसको ये बनाएगा। ठीक है, और हमारी जो फेस में जो कॉलेजन होता है उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा ये। ठीक है, अगर कॉलेजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर हमारी जो एजिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होगा, एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो लेस हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो एकदम टाइट हो जाएगी। ठीक है, फर्म हो जाएगी। तो ये सारे हमारे जो इसके फ़ायदे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। बेहतरीन 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 प्रोडक्ट है, और ये वो प्रोडक्ट है जो चाइनीज़ कब से यूज़ कर रहे हैं, सेंचुरीज से यूज़ कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चल रहा है हम यूज़ कर रहे हैं और हम इसके फ़ायदे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से आज गुआ शुआ स्टोन के बारे में। ठीक है, ये स्टोन है। ठीक है, इसका नाम है गुआ शुआ। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो जो लोग यूज़ कर चुके हैं और जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं इन्होंने इसके लिए इसका वाज़े फ़र्क देखा है। ठीक है, बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप सिर्फ नाम लें अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने फेशियल प्रॉब्लम्स का, वो सारे के सारे जो नहीं इसकी मदद से जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपकी जो जो फेशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन जो जो बाहर जो नज़र आते हैं, जो जैसे ओपन पोर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा ये, फाइन लाइंस को उनको रिड्यूस करेगा ये। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी, जैसे हमारी टेंस्ड मसल हैं उनको एकदम से रिलैक्स करेगा, सूथ करेगा। जिनको सर में दर्द रहता है यहाँ पे टेंपल पे, उनको ये ख़त्म करेगा उसको एकदम। क्योंकि ना जब आप इससे मसाज करना स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसा ऐसा आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और फजूल में कभी भी किसी वक्त भी दर्द उठ जाता है, उसके प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है, आपके जो यहाँ पे जो गर्दनों में जो दर्द हो रहा था, जो ये इधर नेक की जो एरिया में यहाँ पे दर्द होता है, उसको भी ये मतलब अपना ठीक करेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस तरह से जो नहीं है इस गुआ शुआ स्टोन की मदद से अपना फेशियल मसाज करूँगी। ठीक है, चलते हैं अपने मसाज की तरफ। अच्छा जी, अब मैं अपना फेशियल मसाज स्टार्ट करूँगी गुआ शुआ की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। आपके पास अगर अल्कोहल स्वैब्स हैं उससे भी आप लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, तो ये हाथ से छूट के अगर एक दफ़ा ये डैमेज हो गए तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डैमेज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, अपने फेस पर से सारा मेकअप उतार देना है, क्लीन रखना है। और आप लोग ये चाहें तो ये जो मसाज है आप लोग रोज़ाना भी कर सकते हैं रात में। ठीक है, ताकि रात में आप लोग करके सोएंगे, आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी और सूदिंग आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये दिन भर की थकन उतारने के लिए आप लोग रात में ये मसाज करें और आप लोग फौरन सो जाए, तो आप लोगों को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो टेंस्ड मसल्स हैं ना वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना फेस पूरा साफ करना है अच्छी तरीके से। मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा फेस है। ठीक है, गुआ शुआ का मसाज करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे जो है ना ऑयल लगाऊंगी। ऑयल मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि जो हमारा जो गुआ शुआ स्टोन है वो आराम से स्लाइड कर जाए, ग्लाइड कर जाए। ठीक है, हमें अपनी स्किन के साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। अगर हम बिना ऑयल के या बिना मॉइस्चराइजर के या बिना कोई हाइड्रेटिंग सिरम के जो नहीं हम अपना गुआ शुआ स्टोन यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी स्किन पे जो नहीं रैशेज भी हो सकते हैं, रेडनेस भी हो सकती है, इन्फ्लेम भी हो सकती है। ठीक है, तो एक सही चीज़ का इस्तेमाल अगर हम गलत तरीके से करेंगे, गलत टेक्निक से करेंगे, तो हमें फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी, बल्कि
बल्कि उल्टा हमें नुकसान उससे हासिल होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऑयल नहीं है, ठीक है, और अगर आपको ऑयल सूट नहीं करता तो आप लोग कोई से भी हाइड्रेटिंग सिरम भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइलोरोनिक एसिड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, अगर आपके पास कोई सिरम भी नहीं है तो आप लोग कोई मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी स्टिकी हो जाए, ठीक है, थोड़ी आपकी स्किन जो है उसमें जो है ना क्या कहते हैं उसको वो आ जाए, चिकनाहट आ गया, ताकि आराम से जो आपका जो गॉश है वो आराम से ग्लाइड कर जाए। ठीक है, अच्छा जी, मैं यूज़ करूँगी रोज़हिप ऑयल। ठीक है, रोज़हिप ऑयल की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने इसके बारे में जानना है, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड अटैच कर दूँगी। ठीक है, मैं लूँगी रोज़हिप ऑयल, ठीक है, और इसके साथ मैं लूँगी एसेंशियल ऑयल जो है हमारा टी ट्री ऑयल। ठीक है, टी ट्री ऑयल इसलिए ले रही हूँ, ठीक है, हम एक से दो ड्रॉप्स लेंगे क्योंकि अगर जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर कोई दाना वगैरह या कोई पिंपल या कोई ब्रेकआउट होना होगा, सही है, तो उससे वो ख़त्म हो जाएगा या फिर रुक जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ठीक है, और साथ साथ मैं अपने नेक पे भी करूँगी क्योंकि नेक का भी हमें मसाज करना है। ठीक है, मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हैं ये मैंने अप्लाई कर लिया अच्छी तरीके से, इसको मैं प्रेस करूंगी ताकि सारा जो ऑयल है वो सब मेरी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, मेरे पोर्स में पेनिट्रेट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ऑयल मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया, अपनी गर्दन पे भी लगा लिया, फेस पे भी लगा लिया। ठीक है, सबसे पहले अपनी गर्दन से स्टार्ट करूँगी, मैं नेक से इसलिए स्टार्ट करूँगी ताकि जो कोई भी टेंशन बिल्डअप हुई हुई है, ठीक है, वो जो कोई मसल टेंस्ड हुई है वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि कभी कभी हमारी गर्दन में भी दर्द होता है तो उससे ये उस टेंशन जो टेंस्ड मसल हुई हुई होती है, ठीक है, उससे दर्द होता है। ठीक है, तो उसको रिलैक्स करना है, तो मैं इस वजह से इसको यूज़ करूँगी, यहाँ पे नेक पे यूज़ करूँगी, और इसके अलावा हम अपनी गर्दन को कॉन्ट्रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दो फायदे हैं, तो ये कि मसल जो है ना रिलैक्स हो जाएगी, और दूसरे कि हमारी गर्दन जो हमारी नेक है वो भी कॉन्ट्रोल हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं करूँगी। ठीक है, मैं हर स्टेप जो है वो 3 times करूँगी, आप लोग चाहें तो, ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, प्रेशर आपने अपने हिसाब से देना है। ठीक है, सही, अगर मैं काउंटिंग भूल जाऊँ तो, मतलब अगर 2 से 3 हो जाए या 3 से 2 हो जाए तो समझ आप लोगों को जाना चाहिए कि बताने का क्या मकसद है। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट यूज़ किया था मैंने अपनी नेक को कंट्रोल करने के लिए और इसकी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, अब बारी अपनी जॉ लाइन को कंट्रोल करने की। ठीक है, और जॉ लाइन का जो जो यहाँ से जो हम टॉक्सिन्स लेके जो नहीं अपने यहाँ पे आके ड्रेन आउट करेंगे हम। ठीक है, टॉक्सिन्स को ड्रेन आउट करना बहुत ज़रूरी है, जब आप टॉक्सिन्स ड्रेन आउट होंगे तो ब्लड पूरे फेस पे सर्कुलेट करेगा। ठीक है, जो जो क्लियर फ्लूइड है वो पूरे फेस पे हमारा सर्कुलेट करेगा, ये हमारी स्किन के लिए हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जब हम गुआशा यूज़ करेंगे अपने फेस पे तो हमारा जो गुआशा है वो यू नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, 90 degree का एंगल नहीं होना चाहिए, इसको हल्का सा यू 10 to 20 degree के एंगल पे हम इसको ग्लाइड करेंगे, हम यू नहीं करेंगे। अगर हम यू करेंगे तो एक्चुअली हम अपनी स्किन के साथ हार्श हो रहे होंगे, हम स्किन के अगेंस्ट जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं करना, हमें अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना, हमें बहुत तरीके से करना है, हमने जो भी टेक्निक यूज़ करेंगे वो तरीके से यूज़ करेंगे, वरना वो हमें नुकसान पहुँचाएगी, हमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं किस तरह से करूँगी अपनी जॉलाइन को, जो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला पार्ट है, हम इसको नीचे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, देखें इस तरह से,
ये जो ये वाला पार्ट है ये नीचे जाएगा, ये यू नहीं जाएगा। अगर ये यू जाएगा तो ये जो है ना जॉ लाइन को बिल्कुल आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने जॉ लाइन तक ही रहना है, महदूद रहना है, तो इसलिए हम ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा हमारा और ये वाला पार्ट नीचे रहेगा हमारा, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से यू नीचे करके करेंगे, 3 times में करूँगी, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये देखें, एक ये इस तरह से नीचे आ गया टॉक्सिन, ठीक है। यू करके ये नीचे आ गया, 2, ठीक है। ये इस तरफ से हमारा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ करूंगी, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये हमने ड्रेन कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये हमने ड्रेन कर दिया इस तरह से। फिर तीसरी दफा लास्ट टाइम, प्रेशर आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके का प्रेशर देना है, ठीक है। लो टू मीडियम तक का प्रेशर होना चाहिए, ज़्यादा हार्श नहीं होंगे हम, हार्ड नहीं होंगे फेस स्किन पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जॉ लाइन भी हो गई है, ठीक है। ये हमारी जॉ लाइन को इस तरह से कॉन्ट्रोल करेगा। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हमारी लाफ लाइन की है, ठीक है। ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। क्यों हम करेंगे? ताकि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम जैसे जैसे हमारी एज हो रही होती है, ठीक है, तो जो कॉलेजन की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन जो है वो सैग कर रही होती है। जब आप स्किन सैग करेगी तो ऑब्वियसली एकदम से आपकी जो स्किन है वो ढलकने लगेगी, बहुत अगली लगेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये वाली करें इस तरह से, यहाँ रखेंगे अपनी नोज पे, ठीक है। और जो हमारी ये जो लाफ लाइन बन रही है ना यहाँ पे, इस जगह पे आपको उसको हम करेंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब इस जगह पे करूंगी मैं, ठीक है, इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी स्किन को टाइटन करने के लिए, फर्म करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ से लेके जाएंगे अपनी चीक बोन से ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको पकड़ेंगे हम, ठीक है। ये हम अपने टेम्पल पे जो ये रखेंगे इस तरह से, और इसकी जो वो है टेंशन है वो भी रिलीज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, सही है। अब यहाँ वाला करेंगे, ठीक है, स्ट्रेच करके रखनी है स्किन को स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम इस तरह से ग्लाइड करके ले जाएंगे, ताकि हमारी जो स्किन है वो वक्त के साथ सैग ना करें, फर्म रहे, टाइटेंड रहे, एकदम बिल्कुल जैसे होती है ना, ये इस तरह से यू रहे, हमारी स्किन यू होनी चाहिए, सही, देखिए यू होनी चाहिए इस तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं, सही जी। अब जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है वो हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं, पफनेस हैं, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पार्ट रखेंगे अपना, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे अपनी आइज के अंडर नीचे, सॉरी अंडर आइज रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। मैं आप लोगों की बात बता दूँ कि जो ये जो स्किन होती है ना हमारी,
यहाँ की, ठीक है, वो बहुत डेलिकेट होती है। जब भी हम कोई आई क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सिरम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपनी हमेशा रिंग फिंगर लगाते हैं, क्योंकि रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। तो अभी भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो प्रेशर है वो बहुत लाइट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो यहाँ की जो स्किन, जो डेलिकेट स्किन है, वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत लाइट प्रेशर यूज़ करेंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये देखें, टेम्पल तक लेकर आएंगे अपने, ठीक है, और यहां पे प्रेशर देंगे। सही है, ताकि यहां पे जो भी कोई टेंशन बिल्डअप हुई है वो खत्म हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। 3 दफा मैंने चेक कर लिया यहां पे ना, अब यहां की बारी है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये इस तरह से इस पॉइंट पे, बहुत हल्का प्रेशर देना है, बहुत हल्का प्रेशर देना है यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है आपने, ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं, पफनेस हैं, जैसे सुबह सुबह उठ जाते जो एकदम सूजन जैसी आ जाती, सोलन हो जाती है हमारी आईज, ठीक है, तो उससे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएंगी। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी अपर आइज़ के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पफनेस है वो ख़त्म होगी, ठीक है, हमारी आइज़ एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, ब्राइटन हो जाएंगी, ठीक है, एकदम से खुल सी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह पता है ना आप लोगों को क्या होता है कि आइज़ एकदम सूजी सूजी सी होती हैं, तो उसके लिए हम ये वाली एक्सरसाइज यूज़ करेंगे, ये वाला पार्ट यूज़ करूँगी और मैं यहाँ रखूँगी अपने आइज़ पे, ठीक है, और ये रखूँगी आइज़। आहिस्ता ऐसा करेंगे आंखों के साथ, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए इस जगह उठा के, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाली आँख की बारी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, सही है। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी फोरहेड की, ठीक है, ये देखेंगे इस तरह से, ठीक है, आँखों के ऊपर, ठीक है। ये सारी जो सर में दर्द वगैरह होती है, टेंशन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे तकलीफ होती है, सर में तकलीफ हो रही थी, ये उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये रखेंगे इस तरह से, 1 2, इस तरह से ले जाते रहेंगे, ठीक है, जो हमारी हेयर लाइन है ना वहां तक हम रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे ठीक है, इस तरीके से यहां पे अब यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो फेशियल मसाज है विद द हेल्प ऑफ क्वाशा वो हुआ कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये फेशियल मसाज और जो जो मैंने नॉलेज जितनी मुझे थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्वाशा को अपनी रूटीन का, अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। मैं रिकमेंड आप लोगों को करती हूँ ताकि आप लोगों की जो स्किन है वो हमेशा ग्लो करती रहे, ब्राइटनिंग लगे, ठीक है, सैग ना करे, ठीक है, फर्म रहे, टाइट रहे, आप लोगों के ब्रेकआउट के जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे, इससे एक्ने का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के जो
पिगमेंटेशन है, जगह जगह जो डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएगी इससे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अपनी रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएं आप, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जो स्किन है वो एकदम ग्लास स्किन हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग इसको अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको जाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन जिन लोगों ने मेरा अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और आप लोग मुझे ये मसाज करते हुए मुझे टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर पोस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।